साक्षात भगवान परम ब्रह्म से प्रकट हुए हैं फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है तात्पर्य इस श्लोक में यथार्थ कर्म अर्थात कृष्ण के प्रसन्नता के लिए कर्म की आवश्यकता को भली भांति विवेचित किया गया है यदि हमें यज्ञ पुरुष विष्णु के परितोष के लिए कर्म करना है तो हमें ब्रह्म या दिव्य वेदों के कर्म की दिशा प्राप्त करनी होगी अतः हमें वेद कर्म देशों की संहिताएं हैं वेदों के निर्देश के बिना किया गया कोई भी कर्म विकर्म अथवा अवैध अथवा पाप पूर्ण कर्म कहलाता है अतः कर्म फल के बचने के कर्म फल से बचने के लिए सदैव वेदों के निर्देश प्राप्त करना चाहिए जिस प्रकार सामान्य जीवन में राज्य के निर्देश के अंतर्गत कार्य करना होता है उसी प्रकार भगवान के परम राज्य के निर्देश में कार्य करना चाहिए वेदों में ऐसे निर्देश भगवान के श्वास से प्रत्यक्ष प्रकट होता है कहा गया है चारों वेद ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद तथा यथर्ववेद भगवान के श्वास के से अद्भुत हैं बृहदारण्य उपनिषद 4.5.11 ब्रह्मसंहिता से प्रमाणित होता है कि सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान अपने श्वास के द्वारा बोल सकते हैं अपनी प्रत्येक इंद्रियों के द्वारा स्वयं समस्त इंद्रियों के कार्य संपन्न कर सकते हैं दूसरे शब्दों में भगवान अपनी श्वास के द्वारा बोल सकते हैं और अपने नेत्रों से गर्भधान कर सकते हैं वस्तुतः यह कहा गया है कि उन्होंने प्रकृति पर दृष्टिपात किया और समस्त जीवों को गर्भस्थ कर दिया इस तरह प्रकृति के गर्भ से बद्ध जीवों को प्रविष्ट करने के पश्चात उन्होंने उन्हें वैदिक ज्ञान के रूप में आदेश दिया जिससे कि भगवत धाम वापस जा सके हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि प्रकृति के सारे जीव भौतिक भोग के लिए इच्छुक रहते हैं किंतु वैदिक आदेश इस प्रकार बनाए गए हैं कि मनुष्य अपने विकृत इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है और यह कथा कथित सुख भोग पूरा करके भगवान के पास वापस लौट सकता है बद्ध जीवों के लिए मुक्ति प्राप्त करने का यह सुनहरा अवसर है अतः हमें चाहिए कि कृष्ण भावना अभिभावित होकर यज्ञ विधि का पालन करें जहाँ तक कि जो वैदिक आदेशों का पालन नहीं करते हैं वे कृष्ण भावना के सिद्धांतों को ग्रहण कर सकते हैं जिससे कि यज्ञों या कर्म की पूर्ति हो जाएगी ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुरमीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः कृष्णस्तु वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमः 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 पंकजनाभाय नमः पंकजनाभिमालिने नमः पंकजनेत्राय नमः पंकजनागे
नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमः तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणामी हरि प्रिये नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपितवान भाग पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाशम नमो महावद्यान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे आज मैं एक महान संत का कथा सुन रहा था, उनका प्रवचन सुन रहा था YouTube पर, तो वो बता रहे थे कि भगवान कैसे नरसिंह का जो भात था उनकी लाज बचाने के लिए कैसे उनके बेटी के घर पे पहुंचे, क्योंकि नरसिंह जो है जी जो थे एक महान महात्मा थे और वो खाली हाथ गए थे और उनकी बेटी का शादी जो है बहुत धनी घर में हुआ था और सब लोग हंसी उड़ा रहे थे कि देखते हैं इसके भात में क्या आया है। बेटी के या बेटे के शादी में भात होता है जिसके पिता और भाई के तरफ से बहुत कुछ दिया जाता है दान में, तो सब लोग इंतजार कर रहे थे कि यार नरसिंह जी कहाँ है, भात कब जो विधि है कब करेंगे, बस करेंगे। तो उन्होंने प्रार्थना भी किया भगवान से, प्रभु आज मैं नंगा हो जाऊंगा और मैं तो नंगा हो जाऊंगा, मेरी तो मैं सह लूंगा, मेरी तो हंसी होगी लेकिन मेरी हंसी में आपकी हंसी होगी, आप नंगा हो जाएंगे। ये है समर्पण, भगवान आप नंगा हो जाएंगे, आप हमारी रक्षा कीजिए। तो भगवान द्वारिका में थे और वहां से चलने लगे तो रुक्मिणी भी बोली, तो बोले कि कहाँ जा रहे हैं, बोले मैं तो जा रहा हूँ नरसिंह के भात में, बोले तो मैं भी चलूंगी, तो बोले मैं तो गरीब बनकर जाऊंगा, तुम गरीब बनकर चलोगी, तो बोला हाँ आप बन सकते हैं गरीब तो हम क्यों नहीं बन सकते हैं। तो भगवान वहां आए और महान भक्त नरसिंह की लाज बचाई, तो उसी में वो गाने लगे जय राधा माधव कुंज बिहारी। मुझे इतना अच्छा लगा कि प्रभु भाई जी इस्कॉन के हन मंदिरों में यही शब्द प्रभुपाद जी ने चालू किया था और यही शब्द गाते हैं, यही भजन गाते हैं, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हे जय राधा माधव कुंज बिहारी, आनंद में कि हमारी लाज बचाने के लिए भगवान आए, हे राधा माधव हे कुंज में वितरण करने वाले भगवान, भगवान वृंदावन के कुंजों में वितरण किए थे और आज भी निकुंज वन निधि वन आज भी पर्याप्त मात्रा में है, वही निधि वन है जो आज के 5,500 साल पहले भगवान ने वहाँ लीलाएं की थी, आज भी हम लोग वहाँ जाते हैं तो उसमें शांति प्राप्त करते हैं, उस निधि वन में जाकर शांति प्राप्त करते हैं। आज भी हर तरह के लोग, क्या धनी क्या गरीब भक्त, हर तरह के लोग आकर निधि वन को में झाड़ू देते हैं, उसको संवारते हैं। आज भी उसके जो वन में जो कुंज लगे हुए हैं, जो पौधे हैं, वह
देखकर अति आनंद पुलकित मन होता है, आनंदित मन होता है। जय राजा महादेव कुज बिहारी, गोपीचंद वल्लभ गिरिवरधारी। आप गोपियों के वल्लभ हैं, गोपियों के नाथ हैं, आप गोपियों के प्राण धन हैं, गोपियां आपके लिए ही मरती हैं। आप गोपीचंद वल्लभ हैं। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीचंद वल्लभ गिरिवरधारी। और आप गिरि गोवर्धन अपनी मान प्रतिष्ठा के लिए और भक्तों को आनंद करने के लिए आपने गिरिधर गोवर्धन को धारण किया था। जसोदा नंदन ब्रज जन रंजन, जसोदा के आप नंदन हैं और ब्रज जन जन रंजन, ब्रजवासियों को आनंद देने के लिए आप अनेक तरह के लीला करते हैं। ब्रज नंदन हैं आप, ब्रज जन नंदन गोपीचंद वल्लभ गिरिवरधारी। तो मुझे वो आज ही इस शब्द सुन रहा था, मुझे अधिक आनंदित होगा ये भजन सुनकर। और ये भजन हमारे मंदिर में हर रोज गाया जाता है। यहाँ भक्त हर रोज नित्य भगवान का दर्शन एक बार नहीं अनेक बार यहाँ करते हैं, और भगवान के हर दर्शन में नित्य आनंद और नवीन नए नए आनंद को प्राप्त करते हैं। और भगवान हमेशा नए लगते हैं, उबते नहीं हैं। सांसारिक चीज़ों में, किसी दुकान में, किसी मॉल में, किसी जगह पर, पर्यटन के जगह पर हम एक बार जाएंगे, दो बार जाएंगे, तीसरे बार जाएंगे, बोला अरे वहाँ कौन जाएगा। गेस्ट भी आते हैं तो किसी को हम लोग खोजते हैं, उसके साथ में भेज देते हैं। लेकिन इस मंदिर में भगवान नित्य नवीन लगते हैं। यह भगवान जो है नित्य नवीन है। राधा रास बिहारी जी हमारे नित्य नवीन हैं। मंदिर में आने के बाद में लगता है कि कितने शांति प्राप्त होता है। हम किसी के घर में भी जाते हैं, बोला अरे स्वामी जी मैं आपके मंदिर में गया था, क्या आनंद होता है, क्या वहाँ श्रृंगार है। तो भगवान के दर्शन में इस तरह के आनंद मिलते हैं। तो आज के श्लोक के हम ऊपर जाते हैं। आज जो है तीसरे कर्म योग है, तीसरा जो तीसरे अध्याय को कर्म योग कहते हैं। इसमें बताया गया है कि वेदों में नियमित कर्म का विधान है, वेदों में नियमित कर्म का विधान है। वेद में हमें बताया गया है कि कैसे कर्म करना चाहिए। वेदों में बताया गया है कि कैसा कर्म करना चाहिए। हम नित्य संसार में हर व्यक्ति, पशु पक्षी, व्यक्ति ही नहीं, मनुष्य ही नहीं, 84 लाख की जोनियां हैं जो अनंत कोटि हैं, जिनकी संख्या अनंत कोटि है, गिना नहीं जा सकता है, कर्म में लगा हुआ है, रोटी कपड़ा मकान में लगा हुआ है कोई भी जीव। और उनमें सबसे समझदार मनुष्य जाति हैं, 84 कोष में सबसे उत्तम कोटि की जिनकी 4000 प्रकार हैं, मनुष्य जोनियां हैं, वो भी इसी में लगा हुआ है, भाग दौड़ सुबह से आनंद की खोज में। हम आनंद की खोज चाहते हैं, आनंद की खोज चाहते हैं, क्यों? क्योंकि हम परमानंद से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए आनंद की खोज चाहते हैं। माँ में वंशी जुमिलो का जीव भूत सनातना, भगवान कहते हैं गीता में कि जो जीव है, जीव मतलब हम सब, जिसमें आत्मा है, जितना भी शरीर है उसके अंदर में जीव है, आत्मा है, जितने भी आत्मा है आनंद को, उसको आनंद चाहिए। क्यों? क्योंकि हम आनंद से उत्पन्न होते हैं। कहा गया है ना कि जिसका बेटा है उसी के अनुसार होगा ना। तो हम तो भगवान सब, ये आत्मा ही भगवान का बेटा है, आत्मा ही भगवान का संतान है। तो भगवान तो हमेशा आनंद चाहिए। कृष्ण नाम शब्द ही आनंद से बना है। जिस जो महान आनंद से बने हुए वो है कृष्ण, हमेशा आनंद में रहते हैं। तो हम भी चाहते हैं आनंद, लेकिन हम भटकते हुए आनंद को शारीरिक से जोड़ लेते हैं और हम भटक जाते हैं। हम आनंद जो है सिर्फ भौतिकता में देखते हैं, पैसा लाना, अच्छी गाड़ियां हो, अच्छे घर हो, अच्छा एजुकेशन हो, अच्छे पुत्र हो, अच्छी बीवी हो,
इसी में रह जाते हैं. यह जरूरी है, ठीक है, इसको जरूर करें, जरूर रखें, यह जरूरी है. शरीर यात्रा करने के लिए कर्म भी जरूरी है, कर्म करना ही है, दिन रात भागना है, मेहनत करें. लेकिन मेहनत के साथ में हमें समझना है कि कैसा कर्म करें. काम कर रहे हैं तो किस तरह के काम करें. हर काम हमारे लिए अच्छा नहीं है. जैसे हम खाते हैं तो कुछ भी खाते हो तो हमारे लिए तो अच्छा है नहीं, कुछ भी खाएं तो. कभी कभी हम अनाप शनाप खा लेते हैं फिर बीमार पड़ जाते हैं. ज़्यादा घी खा लो तो भी बीमार पड़ जाओ, ना खाओ तो भी बीमार पड़ जाओ. गांव में लोग मरते हैं, घी उनको नहीं मिलती है तो डॉक्टर बोलता है कुछ घी वो खाकर थोड़ा शरीर को तंदुरुस्त रखो. शहर में लोग बोलते, डॉक्टर बना करते हैं तुम घी भी मत खाना, सूखा सूखा खाओ. संपन्नता, अति संपन्नता भी खतरनाक है, अति गरीबी भी खतरनाक है. नहीं गरीब, नहीं गरीब समय दुख कछुमा हुई. दरिद्रता से गरीबी से दुख और कुछ नहीं है. लेकिन गरीबी का मतलब यह नहीं है कि भक्तों के पास भी कुछ नहीं है तो गरीब हैं. भक्तों के पास गोलोक प्रेम धर्म हरि नाम संकीर्तना. वृंदावन के एक महात्मा कथा कह रहे थे और एक वृंदावन का ब्रह्मचारी था, उसके पास एक ही दो ही सेट कपड़े थे, धोती था, कुर्ता था और एक गमछा था. और वो इतना आनंद में रहता था कि इंद्र को गाली देता था कि इंद्र क्या है, लपटी है, उसके पास कुछ नहीं है, हमारे पास तो सब कुछ है. क्यों? क्योंकि भगवान का नाम ले रहा था, भगवान के आश्रय प्राप्त किया था. आश्रय ही मेन चीज है. और इसीलिए कहा गया है कि शास्त्र के अनुसार कर्म करना चाहिए. कर्म करें, कर्म जरूरी है. कर्म, अर्जुन गीता में कहते हैं कि हम भगवान हम कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, हम चाहते हैं सन्यासी. बोले सन्यासी होकर भी तुमको कर्म करना ही है, हर अवस्था में कर्म करना है. कर्म कर्म जो है चतुर्वर्ण मया सृष्टा, चार वर्ण और चार आश्रम के अनुसार कर्म करना है. हर व्यक्ति, पूरे संसार के लोग चार वर्ण और चार आश्रम से बंधे हुए हैं. इसके अनेक अनेक प्रकार कर दिया गया है लेकिन मेन है चार वर्ण और चार आश्रम, इसी के अनुसार सब लोग बंधे हुए हैं. हर व्यक्ति को कार्य करना है. तो कार्य कैसे करना है? शास्त्रों के अनुसार. क्यों शास्त्रों के अनुसार करना है? क्योंकि शास्त्र जो है भगवान ने बनाया है. धर्म जो है शास्त्र, शास्त्र धर्म, धर्म मतलब हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, इसकी परिणति भगवान ने किया है. धर्मा तु साक्षात भगवत प्रणीता. धर्म का यमराज जी अपने दूतों से अजामिल को छोड़कर जब आए थे तो अपने दूतों को समझा रहे हैं कि धर्म है. और धर्म जो है उसका प्रणय, उसकी रचना उस भगवान ने किया है. कौन सा धर्म? जीव धर्म, आत्मा का धर्म जो है भगवान ने बनाया है. बाकी अनेक धर्म जो है कुछ महात्माओं लिखे हैं, कुछ कवियों लिखे हैं, कुछ विद्वानों लिखे हैं, सांसारिक विद्वान. लेकिन जैव धर्म स्वयं भगवान, इसकी प्रणीति भगवान ने किया, इसकी रचना भगवान ने किया है. और इसीलिए कहा गया है कि धर्म के वेद के अनुसार हमें काम करना चाहिए. काम क्या है? भगवद गीता के चौथे अध्याय में कर्म की तीन विभक्ति किया गया. काम को तीन भागों में बांटा गया है. कितने भागों में? काम को तीन भागों में बांटा गया है. देखिए कर्म सुनिए सब लोग, हर लोग काम करते हैं. घर में चूल्हा जलाना भी काम है, रोटी बनाना भी काम है, भगवान की पूजा करना भी काम है, कर्म है. तीन भाग में बांटे हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म. कर्म जो हम करते हैं, बाहर में हम दुकानें खोल रखे हैं, मिठाई की दुकान है और सारे बहुत सारे अनेक प्रकार की दुकानें हैं. हमारे मंदिर में भी मिठाई की दुकान है, वहां भी काम हो रहा है, वहां भी सेल हो रहा है, प्रॉफिट कर रहे हैं. यहां भी सेल होता है, उसका प्रॉफिट हम जाता है. तो दोनों में अंतर है. वो प्रॉफिट हम स्वयं अपने लिए कर रहे हैं और उसमें कभी हानि होती है. बड़े बड़े फैक्ट्रियां चलती है
और बहुत बड़े बड़े बिजनेस व्यापार होते हैं, हानि होती है तो आदमी हार्ट अटैक से मर जाता है। और यहाँ जो कर्म होता है मंदिर में, ये भी कर्म होता है, हमारे कई दुकानें लगे हुए हैं, लेकिन इसका एक कर्म से हमें जो भी प्राप्त होता है भगवान की सेवा में जाता है। कोई व्यक्ति अटैच नहीं है, वो डिसअटैच है मंदिर के, कोई उसमें भक्त अटैच नहीं है, उससे जो लाभ हुआ वो भगवान के लिए है, जो झानी भानी होगा वो भगवान से है, उनकी है वो जाने, लेकिन हम वहाँ क्या है, लाभ हुआ तो हमारा हुआ, हानि हुआ तो हम ही जानेंगे, तो हम वो जानने में उसकी हानि का बोझ उझाने में आदमी हार्ट अटैक होता है, अनेक तरह की बीमारियां पैदा हो जाती है। तो ये है कर्म, कर्म से भवबंधन प्रबल होता है, कर्म से क्या होता है, बंधन उत्पन्न होता है, बंध जाते हैं, और बंधन ही दुख का कारण है, इसी से हमें दुख प्राप्त होता है, यही बंधन दुख का कारण है। और मंदिर में ही काम होता है तो उससे दुख नहीं होता है। तो कर्म, वो कर्म, कुछ ऐसे भी भक्त हैं जो बाहर में रहते हैं, कर्म करते हैं, लेकिन उनकी उसी सिर्फ अपने मेंटलिटी को, मनोबुद्धि को उसमें पंडित कर देना है, वो लोग वो क्या बोलते हैं, ये जो कर्म है वो ठाकुर जी के लिए है, घर परिवार उसी पैसे से, घर उसी धन से, उसी लक्ष्मी से घर परिवार चलाते हैं, लेकिन निमित्त किसका रखते हैं, भगवान को, और उसमें से कुछ अंश भगवान के मंदिर के, भगवान के सेवा के लिए भी करते हैं, घर में नित्य पूजा करते हैं, माला जप करते हैं और अनेक तरह के। तो ये कर्म, और इसी कर्म को अकर्म कहते हैं, क्यों, एक कामना रहित है, हमें कर्म करना चाहिए, काम तो करना ही है लेकिन कामना रहित, कामना नहीं, अटैच होकर नहीं करना चाहिए, चलिए भगवान की जो कृपा होगी, भगवान की जो इच्छा होगी पूरा होगा, भगवान की इच्छा समझकर उनकी सेवा में कुछ उसकी अर्पण करने की दिल में लालसा रखकर कर्म करें, तो वही कर्म जो है अकर्म हो है। अकर्म, निष्काम कर्म, जिसको हम बोल सकते हैं निष्काम कर्म। एक गरीब व्यक्ति था, एक गरीब बच्चा था, वो एक राजा के देखा तो उसको शिक्षा उसकी माँ दी थी कि ये जो है राजा, उसके पिताजी नहीं थे, मर गए थे, और माँ उसकी शिक्षा देती कि राजा जो है भगवान का स्वरूप होता है, हमें राजा का सेवा करना चाहिए, उससे कुछ फिक्सा नहीं रखना चाहिए। तो वो राजा के यहाँ गया ना काम करने, जब राजा के यहाँ काम कर रहा था तो सब लोग मजदूरी लेते थे, और वो बच्चा जो है मजदूरी नहीं लेता था, बोला नहीं नहीं नहीं, ये तो राजा हमारे हैं, इनसे कुछ नहीं लेना चाहिए, तो खाता था पीता था सब चीज़ करता था लेकिन मजदूरी नहीं लेता था। तो कैसे कैसे राजा के कान में ये भनक गया कि वो व्यक्ति एक ऐसा भी बालक है जो बोलता है हम कुछ नहीं लेंगे। बोले क्यों, तो राजा बुलाए, बोले नहीं, हमारी माँ ने बोली थी कि राजा जो है भगवान के स्वरूप होते हैं, कुछ लेना नहीं चाहिए, तो कुछ लेता नहीं था, काम करता था, सब चीज़ करता था, लेता नहीं था। धीरे धीरे राजा के पुत्र नहीं था, उसे एडेप्ट कर लिया, उसे सौताला अपना पुत्र बना लिया, और एक समय आया कि राजा के एक बार रथ निकला था, साल में एक बार रथ निकलता था, तो वो बैठा था रथ पर, और उस लड़के को भी बैठा लिया क्योंकि वो अपने पुत्र मानता था। तो वो जब जा रहा था तो अपनी माँ को देखा, तो वो रथ से उतर कर अपने वो माँ को जाकर प्रणाम किया, तो राजा ने देखा, बोले कौन है, बोली मेरी माँ है। तो राजा भी उस बच्चे की माँ को जाकर प्रणाम किया। तो ये है निष्काम कर्म करने का फल, हमें इतना फल प्राप्त होता है। तो हम जब भगवान के साथ में निष्काम करते हैं और उनसे उनकी भक्ति करते हैं, तो भाई हमें भगवान आश्रय प्रदान करते हैं, भगवान ऐसे ही भी हर जीवों को आश्रय प्रदाता जो हैं भगवान हैं, वही हमारे हमको हर तरह से आश्रय प्रदान करते हैं। ध्रुव महाराज बहुत इच्छा रखे थे, ध्रुव महाराज धन की इच्छा से तपस्या किया था, भगवान को स्मरण किया था, लेकिन जब भगवान पैदा हुए, जब भगवान प्रकट हुए, तो भगवान को देखते ही भगवान ने बोला आप वर मांगो। बोला प्रभु मैं तो कांच की खोज में चला था,
मुझे तो अमृत प्राप्त, मुझे तो सब कुछ असली धन प्राप्त हो गए, अभी मेरे कोई इच्छा नहीं है, फिर भी भगवान ने उन्हें ध्रुव लोक प्रदान किया है। तो भगवान के भक्ति की ये महिमा है। सामान्य जीवन में भी हमें कर्म करना पड़ता है, राज्य के अनुसार, देश के अनुसार, समाज के अनुसार, रीति रिवाज के अनुसार हमें काम करना पड़ता है। उसी तरह से हमें इस जो कर्म करते हैं अपने जिंदगी में, हम शास्त्रों के अनुसार करना चाहिए। तीसरा कर्म है विकर्म, वो कर्म जो शास्त्र द्वारा वर्जित है, जो शास्त्र द्वारा वर्जित है वो कर्म हम करते हैं तो उस कर्मों से हमें दंडित होना पड़ता है, उससे घोर दंड मिलता है। जैसे शराब पीना, पर स्त्री या पर पुरुष से संबंध रखना, मांस भक्षण करना, चोरी करना, इस सब कर्मों से हमें बहुत ही समाज में भी निंदनीय होना पड़ता है और इसका जो फल होता है अतिग्रहित होता है, इसे हमें दंडित होना पड़ता है। कभी कभी इसी समाज में भी इधर ही दंडित होना पड़ता है, लेकिन भगवान तो दंड देते ही हैं। तो हमें विपकर्म कभी भी नहीं करना चाहिए, हमेशा सदकर्म करना चाहिए। भगवान, ये जो भगवान के हम ये कर्मों के बारे में इसलिए बताया जाता है कि कैसे हम इन सब कर्मों से भगवान के प्रिय बन सकें। हम यदि भगवान का आश्रित बनते हैं तो भगवान हमें आश्रय प्रदान करते हैं, भगवान हमें अपना बना लेते हैं, और जब हमें भगवान अपना बना लेते हैं तो और संसार में कुछ रह नहीं जाता है। जैसे किसी प्रभावशाली व्यक्ति का पुत्र या परिवार के लोग आते हैं तो हम बोलते हैं कि ये, अरे ये इनका आदमी है, तो उन्हें बहुत अच्छा स्थान मिलता है और सम्मान मिलता है। उस तरह से जब हम भगवान के भक्त बनते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, तो भगवान का एक नाम है विष्णु, और भगवान के भक्त जो है वैष्णव कराते हैं, जो विष्णु का हैं वो वैष्णव कराते हैं, और भगवान जब उनको अपना लेते हैं तो आप देखे होंगे कि वैष्णव कभी भी, एक राधा गोविंद महाराज बोल रहे थे कि हरिद्वार में एक संत थे, कथा कह रहे थे, तो बोले कि सुना न देखा भक्त भिखारी। सुना भी नहीं है तो देखा कहाँ से, मैं सुना ही नहीं कि भक्त भी भिखारी होते हैं। वो भगवान के वो मधुकरी से ही इतना खुश रहते हैं कि आनंद में रहते हैं कि वो भिखारी जैसा लगते ही नहीं है, और देखने की तो बात ही है, वो आनंद में रहते हैं, हमेशा आनंद में रहते हैं भगवान के भक्त। तो हमें आनंद प्राप्त करना है तो भक्ति जरूरी है। भक्ति करने के लिए जरूरी नहीं है कि मंदिर में आए, हम जहाँ भी हैं वहीं भगवान का नाम का स्मरण करें। हम गृहस्थ हैं तो अपने घर में खाना बनाएं शुद्धता के साथ में, और शुद्ध शाकाहारी, पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमे भक्त्या प्रत्यक्षते तदहम भक्ति उपरीतम। भगवान कहते हैं कि पत्र पुष्प से ही मैं खुश हो जाता हूँ। शाकाहारी भोजन करना चाहिए और भगवान को भोग लगाना चाहिए। भगवान कहते हैं कि उस भोजन को जो प्रेम से अर्पित किया जाता है मैं ग्रहण करता हूँ। तो इस तरह से भगवान को हम जब कोई अर्पित करते हैं तो हम भगवान के हो जाते हैं। हमें भगवान का प्रिय बनकर, भगवान का प्रिय बनकर, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान इसमें प्रसन्न होते हैं। प्रभुपाद जी बुक्स भगवत गीता और भागवतम बांटा जाता था तो बहुत प्रसन्न होते थे, वैसे ही भगवान प्रसन्न होते हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहिए। हरे कृष्णा।
Vandeham Shri Guru Shri Yuta Bhagavan.